डिस्कस करा था फाइव प्राइम कैपिंग और पॉली एडिनाइजेशन के बारे में हम एम की प्रोसेसिंग कर रहे थे जिसमें कि आपको तीन चीज़ें बतानी है पहले फाइव प्राइम कैपिंग थ्री प्राइम पॉली एडेनाइजेशन और फिर स्प्लाइसिंग फाइव प्राइम कैपिंग और पॉली एडिनाइजेशन लास्ट लेक्चर में हो गया था तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हम करने वाले हैं स्प्लाइसिंग के बारे में स्प्लाइसिंग का जनरल मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स अब देखो एग्जोंस और इंट्रॉन्स क्या होते हैं एग्जॉन्स क्या होते हैं कोडिंग पार्ट जो कोडिंग आर एन ए होता है कोडिंग पार्ट ऑफ आर एन ए होता है उसको हम क्या बोलते हैं एग्जॉन्स बोलते हैं इंट्रॉन्स का मतलब होता है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज हैं उनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं तो जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज दोनों प्रेजेंट होती हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो अभी आपका इनएक्टिव आर है लेकिन जब जो मेच्योर आर होता है जो एक्टिव आर होता है या जो फंक्शनल आर होता है उसी की ट्रांसलेशन होने के बाद हमें प्रोटीन मिलता है तो जो मेच्योर आर होता है उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं हम इंट्रॉन्स को क्या कर देते हैं स्प्लाइस आउट कर देते हैं इसको कट कर देते हैं और आपके पास जो एग्जॉन्स है वही बचते हैं मतलब जो कोडिंग सीक्वेंसेज हैं सिर्फ वही बचती हैं तो इनएक्टिव आर एन ए जो है यानी कि जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें दोनों है कोडिंग पार्ट भी है नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस भी है तो आर एन ए स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम इंट्रॉन्स को क्या कर देते हैं कट कर देते हैं स्प्लाइस आउट कर देते हैं रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास में चार टाइप के इंट्रॉन्स हैं ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर ग्रुप वन वाले जो इंट्रॉन्स होते हैं दे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स एंड ऑल्सो इन द फ्री न्यूक्लियर जीन्स तो जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट का जो एम आर एन ए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे सेकेंड वाले जो होते हैं दे आर फाउंड इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एम आर एन ए इन द फंग एल्गे और प्लान्ट जो ग्रुप थ्री वाले होते हैं ये मेन है एंड ये लार्जेस्ट क्लास है ऑफ इंट्रॉन्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और इनको हम न्यूक्लियर इंट्रोन्स भी बोलते हैं या स्प्लाइसियो जोम्स भी बोलते हैं जो ग्रुप फोर वाले हैं हम उसको टी आर एन ए इंट्रॉन्स बोलते हैं तो जो टी आर एन ए इंट्रॉन्स का स्प्लाइसिंग है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन द टी आर एन ए प्रोसेसिंग वाले लेक्चर में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम ग्रुप वन ग्रुप टू और ग्रुप थ्री इंटरस की स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे सो ग्रुप वन और ग्रुप टू जो इंट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ है पहला तो जो दोनों हैं वो सेल्फ स्प्लाइसिंग है उनको किसी बाहर वाली चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है वो खुद से खुद ही को कट कर सकते हैं तो दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग और उनमें इंटरनल होमोलॉजी होती है इंटरनल होमोलॉजी का मतलब है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है फाइव प्राइम एंड है ये थ्री प्राइम एंड है तो ये इंट्रॉन है ये हमारे पास फिर एग्जॉन है तो ये इसका जो फाइव प्राइम एंड है और थ्री प्राइम एंड है ना वो क्लोज आ सकते हैं वो क्या सकते है? आ सकते हैं आपस में क्लोज आ सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल होमोलॉजी यहाँ पे स्प्लाइसिंग के लिए उनको कोई प्रोटीन्स कोई एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ऑल्सो इनको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है दैट इज़ यहाँ पे कोई ए की ज़रूरत नहीं है और ये दो स्टेप का एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा सो so, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप वन इंट्रोन स्प्लाइसिंग कैसे होती है तो ये हमारे पास में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है तो यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन कैसा है कि हमारे पास में ये एक्जोन्स हैं एंड इसके बीच में क्या है इंट्रॉन है दिस रेड वन इज़ द इंट्रॉन अब ये एग्जॉन का फाइव प्राइम एंड ये क्या है आपके एग्जॉन्स हैं दिस इज ऑल्सो एक्जॉन एग्जॉन के बीच में इंट्रॉन है इसको हमने कट करना है तो ये हो गया इंट्रोन का फाइव प्राइम एंड ये हो गया इंट्रोन का थ्री प्राइम एंड ठीक है मतलब ये क्या है फाइव प्राइम साइट ऑफ द इंट्रॉन और ये क्या है थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ द इंट्रॉन अब यहां पे क्या होता है जो आपका यहां पर ये यह क्या है, फाइव प्राइम एंड ऑफ़ द इंट्रॉन और ये क्या है थ्री प्राइम एंड ऑफ द इंट्रॉन तो जो फाइव प्राइम एंड है इंट्रॉन का वहां पे आपको यूए दिख रहा है यूरेसिल एडेनिन है और उनके बीच में पी जो है पी मीन्स द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है यहाँ पे आपको जी यू दिख रहा है जिसके जी यू पी मीन्स फर्स्ट फूड तो जो फाइव प्राइम टर्मिनस है वहाँ पे आपको यू ए देखने को मिलता है और यहाँ पर थ्री प्राइम एंड पर जी यू हमें मिल रहा है तो अब यहाँ पे क्या होता है इंटरनल होमोलॉजी होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे क्या हो जाता है इस तरीके से लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि इनमें क्या है इंटरनल होमोलॉजी ये शो करते हैं जो फाइव प्राइम एंड है और जो थ्री प्राइम एंड है वो पास में आएंगे इस तरीके से so, यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या है यहां पे हमारे पास होता है जीएमपी जीएमपी जो है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट अब जीएमपी के पास क्या होता है ओ OH एच होता है ठीक है ओ OH एच होता है अब ये जो ओ OH एच होगा यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास जी है जी के पास क्या है ओएच OH है अब ये जो ओएच OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑफ़ द गोसिन इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा यहाँ पे क्या होगा अटैक होएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा और ये जो फाइव प्राइम स्प्लाइस साइड थी वहाँ पे जो फॉस्फेट बॉन्ड आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये फॉस्फेट बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सो so, यहाँ पे देखिए जो यूरिसिल है यहाँ पे तो ओएच आ गया क्योंकि ओएच ने अटैक किया था और यहाँ पे पी को कट कर दिया था तो बाकी पोर्शन जो है वो ऊपर रह गया और नीचे हमारे पास क्या रह गया ओएच गया। समझ रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास ओ एच ने अटैक किया था तो ओ एच तो यहाँ आ गया इसने कट लगाया था ओच ने ओ एच ने क्या किया था यहाँ पे कट लगाया था तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके ओ एच आ गया था यूरेसिल के साथ में क्या आ गया तो यूरेसिल के साथ क्या आ जाएगा ओ एच आ गया अब ये जो पी जी है वो ए के साथ में क्या हो जाएगा ऊपर दूर हो जाएगा अलग हो जाएगा सो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया है अब ये जो अब हमारे पास बन गया इंटरमीडिएट अब यहाँ पे जो ये हाइड्रॉक्सिल है अब ये फिर से जो फाइव प्राइम एंड पे जो आपके पास हाइड्रॉक्सिल है ये अब न्यूक्लियोफाइल सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा और ये कहाँ पे अटैक कर रहा है जो थ्री प्राइम एंड है थ्री प्राइम एंड है इंट्रॉन का वहाँ पे ये कट कर रहा है जिससे कि क्या होगा जो आपका इंट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा इन लीनियर फॉर्म एंड आपका जो आर है जो एग्जॉन्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे अब यहाँ पे देखो ये जो ओ OH था वो तो अटैक करा उसने तो वो जी के साथ में चला जाएगा और जो आपका पी है वो बच जाएगा और वो इस यूरेसिल के साथ में जुड़ जाएगा तो ये दोनों चीज़ें तो क्या हो गई रिमूव हो गई और ये बच गया तो ये जो एग्ज़न्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे एंड इस तरीके से आपको क्या मिल गया स्प्लाइसड आर मिल गया जो लाइगेशन हो जाएगी फाइव प्राइम और थ्री प्राइम जो एंड है एग्जॉन्स का वो जॉइन होकर के इस तरीके से आपको स्प्लाइसड आर मिल गया जिसमें से जो इंट्रोन है उसको हमने रिमूव कर दिया नेक्स्ट है ग्रुप टू इंट्रोन स्प्लाइसिंग ग्रुप टू इंट्रोन स्प्लाइसिंग यहाँ पे क्या होता है जीएमपी रिक्वायर्ड नहीं है अब इंट्रोन जो होता है उसमें एडेनिन होता है और उस एडेनिन के पास क्या होता है ओ एच ग्रुप होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंट्रोन है उसके पास एडेनिन है और उस एडेनिन के पास क्या है ओ एच ग्रुप है ये ओ एच ग्रुप क्या करेगा जो हमारा फॉस्फेट बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है एंड यहाँ पे कट प्रोड्यूस होगा सो लेरियंट स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा लेरियंट स्ट्रक्चर कैसा होता है इस तरीके से दिस इज नोन एज द लेरियंट स्ट्रक्चर एक और चीज़ जो हमारा लेरियंट स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एडेनिन होता है उस वो उसके पास में तीन फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं तो ये आपको एडेनिन दिख रहा है दिस इज द एडेनिन अब ये जो एडेनिन है यहाँ पे वन टू एंड थ्री थ्री पी आपको दिख रहा है पी मीन्स द फॉसफो बॉन्ड तो ये जो एडेनिन होता है इसके पास में तीन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं ओके सो अभी आपने ऊपर देखा था कि जो एडेनिन है उसके पास में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ओ OH ग्रुप था उसने फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया कहाँ पे हमारी फाइव प्राइम जो स्प्लाइस साइड थी वहाँ पे कट कर दिया अब जिससे कि क्या हुआ लेरियंट फॉर्म में आपका जो स्ट्रक्चर आपको मिल गया था जो लेरियंट फॉर्म होती है वहाँ पे जो एडिनिन है एडिनोसिन है उसके पास में तीन फॉस्फोडास्टर बॉन्ड होते हैं अब ये जो ओ OH है जो आपका फाइव प्राइम एंड पे आ गया अब वो क्या करेगा सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा एंड वो थ्री प्राइम एंड से स्प्लाइस आउट कर देगा जो हमारा इंट्रॉन है उसको तो अब ये क्या हो गया इंट्रॉन जो है वो निकल गया लेरियंट फॉर्म में निकल गया पहले जो ग्रुप वन वाले में आपने देखा था ग्रुप वन वाले में जो इंट्रॉन था वो लीनियर फॉर्म में निकला था एंड सेकेंड जो हमारा ग्रुप टू इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन है वो लेरियंट फॉर्म में निकला है और फिर ये हमारे पास क्या आ गया स्प्लाइसड आर एन कि जो एग्ज़न्स थे एग्जॉन्स के जो फाइव प्राइम और थ्री प्राइम एंड था उसको हमने लाइगेट कर दिया है और हमें स्प्लाइस डारे ने स्प्लाइस डारे ने मतलब जिसमें से जो इंट्रॉन है उसको रिमूव कर दिया गया है अब नेक्स्ट है ग्रुप थ्री इंट्रोन स्प्लाइसिंग कैसे होती है ये सबसे मेन है ग्रुप थ्री इंट्रोन स्प्लाइसिंग जिसको कि हम न्यूक्लियर इंट्रॉन्स भी बोलते हैं सो so, यहाँ पे कोई होमोलॉजी नहीं होती कोई होमोलॉजी नहीं है मतलब कि जो फाइव प्राइम साइट है और जो थ्री प्राइम साइट है वो दूर दूर रहती है कोई उनमें सेल्फ स्प्लाइसिंग यहाँ पर नहीं होती है खुद से स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते तो किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी तो यहाँ पे हम किसकी मदद लेते हैं एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स होता है जिसको कि हम बोलते हैं स्प्लाइसी स्प्लाइसीो जोम इसकी हम हेल्प लेते हैं अब ये जो स्प्लाइसीो जोम होता है ये हमारे पास में डिफरेंट किससे बना होता है पांच एस एन आर एन पी से बना होता है एस एन आर एन पी से बना होता है विच इज़ यू वन टू फोर फाइव सिक्स ओके अब हम क्या करते हैं सारे के सारे स्टेप्स देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्लाइसिंग हो रही है तो ये हमारे पास क्या है आरएनए है जिसमें एग्जॉन है एग्जॉन है उसके बीच में क्या है इंट्रॉन है जो न्यूक्लियर uh, इंट्रॉन्स होते हैं उनका जो फाइव प्राइम एंड होता है दिस इज़ द फाइव प्राइम एंड और ये क्या है हमारा थ्री प्राइम एंड है तो जो फाइव प्राइम एंड होता है वहाँ पे जी यू पाया जाता है मोस्टली और जो थ्री प्राइम एंड है वहाँ पर ए जी आपको मिलता है एडेनिन गिन मिलता है और एक ब्रांच पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे कि आपको एडन मिलेगा सो so, ये हमारे इंट्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया अब यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले आएगा यूएन एस एन आर एन पी अच्छा देखो स्प्लाइसीो के बारे में बताते हैं पहले ओके स्प्लाइसीोजोम्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होता है आर एन ए प्लस प्रोटीन का इसको हम एस एन आर एन पी भी बोलते हैं एस एन आर एन पी मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर इसको स्नर्ब्स भी बोला जाता है एंड इस कॉम्प्लेक्स को हम यूज़ करते हैं टू रिमूव द इंट्रोन्स तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा बाइंडिंग होगी U1 और पहले आएगा U1 U1 जो होगा U1 जो एस एन आर एन पी है वो बाइंड होगा जी यू साइट पर जो U2 और यहाँ पे जो U1 वन एस एन आर एन पी है वो कहाँ बाइंड हुआ जी यू साइट पर बाइंड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ए टी पी उसके बाद में यू टू एस एन आर एन पी जो है वो आपका जो ब्रांच पॉइंट था जो ब्रांच पॉइंट पे एडेनिन था वहाँ पे जाकर के बाइंड होगा अब ये दोनों की बाइंडिंग हुई यू वन यू टू बाइंड हुए उसके बाद में अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आता है जो कि क्या है यू फोर यू सिक्स यू फाइव ये तीनों आते हैं एंड यहाँ पर बाइंड करते हैं अब इनके बाइंड होने से क्या होता है जो U1 है और जो U2 है वो आपस में क्लोज आएंगे इनकी बाइंडिंग से क्या हुआ जो U1 है और U2 है वो आपस में क्लोज़ आएंगे क्लोज़ आएंगे जिससे कि इन ड्रॉन में लूप बन जाएगा इस तरीके से इस तरीके से क्या बन जाएगा लूप बन जाएगा अब ये चीज़ है ना कि एक U1 यहाँ था और U2 टू यहाँ था तो उन दोनों को पास ले ये इस तरीके से क्या बन गया फिर हमारे पास में लूप फॉर्मेशन हो गई सो so, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है क्लोजिंग कर दिए है क्लोज मतलब जो U1, U2 है वो पास पास में आगे है और यहाँ पे लूपिंग हो चुकी है लूप का फॉर्मेशन हो चुका है अभी ये क्या है इनएक्टिव स्प्लाइसियोजोम है अभी ये एक्टिव नहीं है अभी ये कुछ नहीं कर सकता अभी ये इनएक्टिव है एक्टिव कैसे होता है यहाँ से U1 और जो U4 है U1 SNRNP और जो U4 है वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं एंड फिर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स रह जाता है जिसमें U2 है U5 है U6 है ये होता है आपका एक्टिव स्प्लाइसीो जोम ये क्या होता है एक्टिव स्प्लाइसीो जोम अब जो आपका ब्रांच पॉइंट पे एडेनिन था उसके पास में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है वो क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है फाइव प्राइम स्प्लाइस साइट पर और इस तरीके से आपको लेरियंट की फॉर्म में इंट्रॉन जो है यहाँ पर आपको रिमूव होता हुआ दिख रहा है उसके बाद में ये जो ओएच OH है वो सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा थ्री प्राइम स्प्लाइस साइट पर और इस तरीके से जो इंट्रॉन है लेरियंट फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और जो आपका एग्जॉन्स है उनकी लाइगेशन हो जाएगी एंड हमें एंड में क्या मिल गया स्प्लाइज आर मिल गया ऑल्सो यहाँ पे क्लेवेज और लाइगेशन के लिए कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे